पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। थाना क्षेत्र के अंडा महुआ चौक पर बीती रात्रि सड़क लुटेरों ने हथियार के बल पर एक ट्रक के चालक सह चालक व एक अन्य व्यक्ति से 5,000 रुपए सहित दो मोबाइल सेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वाहन का बैटरी तथा वाहन में लगे साउंड सिस्टम की लूट की। साथ ही लुटेरों ने चालक श्याम कुमार साव लहलहे सिंदूरिया निवासी, मनदीप साव लेस्लीगंज थाना के छगरपुर निवासी व अनंत साव चैनपुर थाना के चंदो निवासी के साथ पिस्टल के बट व अन्य हथियारों से जमकर पिटाई की, जिससे उक्त सभी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय लोगों की मदद से रात में तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरिया लाया गया। भुक्तभोगियों ने बताया कि बुधवार को हरिहरगंज से सीमेंट अनलोड कर वापस अंबिकापुर जा रहे थे। इसी दौरान अंडा महुआ चौक पर रात्रि करीब 11 बजे पहले से झाड़ी में छुपकर बैठे तीन लुटेरों ने पत्थर से अंधाधुंध हमला करने लगे, जिससे हम एक पत्थर वाहन की खिड़की से होते हुए चालक की आंख के ऊपर ललाट में जा लगी, जिससे चालक घायल हो गया तथा ट्रक असंतुलित होकर जंगल में वन विभाग के द्वारा बनाए गए ट्रेंच में चला गया, जिसके बाद लुटेरों ने सभी को हथियार के बल पर कब्जा कर उक्त सभी लोगों से मारपीट करते हुए लूटपाट करने लगे। ट्रक पकड़ के राज्य छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर निवासी अंकुश कुमार गुप्ता का बताया गया।